of negative components is some secret element. So small friends of negative components by a secret formula, a secret formula, how some solve करने समय apply करने वाले. So friends देखिए हमारा secret formula क्या है small friends of negative components ना. So देखिए small friends means five, five से लेके छोटे number. ठीक है? Five से छोटे number को कहते हैं small friends. ठीक है? Five से छोटे number कौन से होते हैं? Four, three, two, one. वो तो small friends. Small friends के भी positive and negative components होते हैं. तो positive components का part हम सीख चुके हैं और negative components का हम सीख रहे हैं. So देखिए negative components का ये second formula है. Second formula कैसे apply करना है ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ. ठीक है? So देखिए हमारा base क्या है? Five. Base क्या है हमारा? Five. Five minus three is equal to two. Five minus three is equal to two. So देखिए अगर हमें minus three करना है, minus three करना है और minus three करने के लिए हमारे पास fingers available नहीं है, तब ये formula हमें apply करना है. तब ये formula हमें क्या करना है? Apply करना है. मतलब अगर हमें कौन सा भी formula, मतलब अगर हमें add करना है या less करना है small friends में, तो हम five में से ही add या less कर सकते हैं. ठीक है? Five हमारा base है. फाइव में से हमें ऐड करना है और फाइव में से हमें कौन सा भी नंबर क्या करना है? लेस करना है. तो देखिए अगर हमें लेस थ्री करना है और हमारे पास फिंगर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें माइनस फोर, हमें फाइव में से क्या करना है? थ्री को लेस करना है. तो फॉर्मूला क्या है लेस थ्री के लिए? माइनस फाइव ऐड टू, माइनस फाइव करना होगा और ऐड. ठीक है? तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होने वाला है ये मैं आपको यहाँ पर बता दी हूँ सम सॉल्व करते समय. सो फ्रेंड्स देखिए हमारा पहला सम है ऐड वन ऐड फाइव लेस एड वन एड फाइव लेस थ्री. हमारा पहला सम है. ये सम सिखाने से पहले मैं आपको दोनों हैंड के बारे में और फिंगर्स के बारे में बता देती हूँ. सो देखिए फ्रेंड्स फिंगर्स फिंगर हमारे पास में दोनों हैंड्स का यूज होता है क्योंकि फिंगर्स का. ठीक है? सो देखिए ये है राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करता है वन स्पेस को. राइट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? वन स्पेस को. एंड लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है टेन स्पेस को. ठीक है? राइट हैंड साइड की ईच फिंगर की वैल्यू होती है फोर एंड थंब वैल्यू होती है फाइव. एंड लेफ्ट हैंड साइड की ईच फिंगर वैल्यू होती है टेन एंड थंब की वैल्यू होती है फिफ्टी. अगर आपको थंब के बारे में अगर आपको फिंगर्स की ईच वैल्यू ठीक से जाननी है तो आपको शुरुआत से वीडियो देखना है. मतलब वीडियो वन से लेकर टेन तक शुरुआत से देखना है. और सच में अगर फिंगर आपको सीखना ही है तो आपको शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी. ठीक है? सो देखिए पहला सम क्या है हमारा? एड वन एड फाइव प्लस एड वन एड वन एड फाइव. ठीक है? एड वन किया है और एड फाइव लेस थ्री. अब लेस थ्री करने के लिए हमारे पास फिंगर्स नहीं है. यहाँ पर वन है उसकी वैल्यू क्या है? फाइव है. ठीक है? इस फिंगर की वैल्यू क्या है? वन और थंब की वैल्यू है फाइव. अब हमें क्या करना है? लेस थ्री. लेस थ्री करने के लिए हमारे पास फिंगर्स नहीं है. सो अब ये फॉर्मूला हमें क्या करना है? अप्लाई करना है. ठीक है? हमें क्या करना है? फाइव को थ्री से फाइव में से थ्री को लेस करना है. तब ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है. सो लेस थ्री के लिए फॉर्मूला लेस फाइव एंड लेस थ्री. लेस थ्री नॉट अवेलेबल हियर सो लेस फाइव एंड टू. द आंसर इज थ्री. Five. The answer is
37. 10, 20, 30, 35, 36, 37. Next sum hai hamara, add 45 plus 43 add 20. Add 45, 10, 20, 30, 40, 45. Minus 43, minus 43, minus 40. But 3 not available here, so less 5, add 2. And add 20, 10, 20, the answer is 22. आपको जो यहां पर जो मैं आपको सिखा रही हूं वो आपको समझ में आ रहा है।